खबर है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से। शहडोल सीएचसी बुढ़ार अंतर्गत ग्राम देवरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गांव में फैली बीमारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज किया जा रहा है। इसी के तहत कल देवरी गांव में शिविर लगाकर ग्रामवासियों का निःशुल्क उपचार किया गया। आपको बता दें कि मौसम के परिवर्तन होते ही अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड जैसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, जिसके कारण कहीं ना कहीं बाद में उनको पछताना पड़ता है और बात उनकी जान तक आ बनती है। इसी को देखते हुए गांव-गांव में शिविर लगाकर ग्रामवासियों को जानकारी प्रदान करवाना और शिविर लगाकर उनका इलाज करना, यह नेक कार्य सीएचसी बुढ़ार की टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसमें टीम की मुख्य मेंबर सीएचओ अनुराधा एवं उनकी समस्त टीम, साथ ही सीनियर डॉक्टर की मौजूदगी में स्वास्थ्य शिविर परीक्षण का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए देखिए दीप प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सर नाम? मेरा नाम डॉक्टर अमरदीप पटेल है, मैं बीएससी रामपुर में पदस्थ हूँ। ये कैंप हर देवरी में लगा हुआ है। हाँ। और कई जगह लगाया जा रहा है, इसका मतलब क्या, मतलब उद्देश्य क्या है? ये जो मौसमी बीमारियाँ हैं फैल रही हैं, तो इसके रोकथाम के लिए जो है हम उप स्वास्थ्य केंद्र वाइज जो है शिविर लगा रहे हैं जी, ताकि लोगों को जो है जो असुविधा होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने में, तो उनको जो है नज़दीकी सेवाएँ मिल सकें।